हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको 5 रेशियो आपको फाइंड करने के लिए बताऊंगा, राइट ट्राइंगल से कैसे फाइंड करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा बच्चों, मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कर, जैसे बच्चों हमको फाइंड द 5 रेशियो ऑफ राइट ट्राइंगल से ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। एक पहले हमको राइट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल लेंगे तो राइट ट्राइंगल ले लेंगे, इसका नेम दे देंगे ए बी और सी दे देंगे। अब मान लो कि अब यहाँ पे हमने 3 रख दिया और यहाँ पे 4 रख दिया। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ले लिया और ये भी 4 सेंटीमीटर ले लिया, और यदि हमें 2 साइड दिया गया है तो इसके हमें फार्मूले से मालूम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राई एंगल में हम लेंगे, तो हम क्या लेंगे, इन राइट ट्राइंगल में हम लेंगे ए बी सी, और ये बी जो होगा 90 डिग्री का होगा, और यदि हमको ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसमें बी सी की वैल्यू क्या दी गई है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और +16 = 25। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, मतलब अंडर रूट 25, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि हमें फाइंड करना हो, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण, या इसी को हम कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो पी को परपेंडिकुलर कहते हैं और हाइपोटेनस को, इसको यच कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसको पी कहेंगे। तो ये हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो लंब को हमने पी से डिनोटेड किया तो लंब बटे में कर्ण हो गया। तो इसकी वैल्यू हम यदि हम निकालें तो हमारा क्या होगा, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा, इसकी जब निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 बाई 5। फिर इसी तरह से यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हमारा आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार को हम बी से लेते हैं, तो बी बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस का हो जाएगा बी, इसको बी ले लेते हैं, तो बेस बी अबटे में हाइपोटेनस, तो बेस बी के जगह पे क्या है, 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस के जगह पे 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू हम लें, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान लंब बटे में आधार, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब इसी का हमको क्या करना है, यदि हम कोसेक थीटा की वैल्यू, इसी का अपोजिट हो जाएगा, कोसेक थीटा यदि हमको निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, 1/3
साइन थीटा, तो वन अपान साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा का हमारा दिया ही वन अपान फोर बाई फाइव, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव बाई फोर हो जाएगा। अब इसी तरह से कॉस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा क्या होगा, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपान सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा तो नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपान सेक थीटा, हमको निकालना है सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपान कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है थ्री बाई फाइव है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री हो जाएगा। इसी तरह से टेन का हम यदि हम निकालें तो टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपान टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, वन अपान फोर बाई थ्री, टेन थीटा की वैल्यू फोर बाई थ्री, तो इसका भी उलट जाएगा, तो वन इंटू थ्री बाई फोर होगा, तो ये थ्री बाई फोर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो आपको आज मैंने फाइव रेशियो, यदि आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है या परपेंडिकुलर अपान बेस, यदि हमें साइन थीटा दे दी गई है और हमें सभी पांच फाइव रेशियो हमको फाइंड करना है, लंब बटे में आधार, यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी गई हो, साइन थीटा नहीं, ये परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, तो लंब बटे में आधार, टेन थीटा की वैल्यू दे दी गई है, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार फोर बाई थ्री, परपेंडिकुलर अपान बेस, यदि हमें ये दिया गया हो इफ टेन थीटा इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, तो हमें सभी फाइन क्या क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड द साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यदि सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो आप फिर एक बार देख लो, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर के जगह पे फोर सेंटीमीटर दिया है, तो फोर बाई ए हो जाएगा फोर बाई फाइव, और यदि हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल दें तो इसी का इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, उसी को बेस अपान हाइपोटेनस कहते हैं, तो थ्री बाई फाइव हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है लंब बटे में, हमारा टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है, तो लंब जो है पी है और आधार तीन है, तो थ्री है, तो फोर बाई थ्री हो जाएगा। और इसी का कॉस का उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो सेक का सेक थीटा इज इक्वल टू वन पांच का उसका उल्टा हो जाएगा, तो फाइव बाई थ्री हो जाएगा सेक थीटा का। और कॉस थीटा का टेन थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का जो होगा जहाँ पे आपका दिया है टेन थीटा फोर बाई थ्री, तो कॉस थीटा थ्री बाई फोर हो जाएगा। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि आपको ये वाला फार्मूला निकालना है, जैसे मान लीजिए टू साइड आपको दिया गया है और हमको ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग लगा देंगे, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू थ्री दे दी गई है और ए बी की वैल्यू फोर दे दी गई है, तो 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अब दोनों को ऐड कर देंगे 25, एसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे 5 सेंटीमीटर हो जाए। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे 5 बाई फोर यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, ए भी 3 बाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए भी सेंटीमीटर होगा, ए भी सेंटीमीटर होगा, ए भी सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों आपको यह क्वेश्चन, यदि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि बच्चों कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें।
बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। आप मेरी आर्यन एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उस पर मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप मेरी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। अब बच्चों आप कमेंट जरूर करें बच्चों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूँगा, हमेशा आपको नए से टिप्स बताता रहूँगा, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। और आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें बच्चों और बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो गुड नाइट, थैंक यू आई टू वी।